नाज़रीन, आज थिएटर का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस मुनासिबत से हमने मुनासिब जाना कि आज आपकी मुलाकात थिएटर से ही जुड़ी एक शख्सियत के साथ करवाते हैं। जी हां, आज की इस खुसूसी बातचीत में हमारे साथ हसन जावेद साहब हैं, जो गुज़श्ता 32 वर्ष से थिएटर के साथ वाबस्ता हैं। उन्हें कश्मीर में थिएटर को ज़िंदा रखने में कलीदी किरदार अदा किया है, ख़ासकर उस दौर में जब जम्मू कश्मीर के हालात नासाजगार थे। मज़ीद इनसे ही जानेंगे। हसन जावेद साहब, सबसे पहले तो आपको थिएटर के आलमी दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया ज़ुबैर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के दिन कम से कम याद तो रहा कि इस थिएटर के हवाले से बात करनी चाहिए। ऑफ कोर्स करनी चाहिए, और थिएटर से जुड़ी जो शख्सियात हैं, वो कहा जाता है कि वो समाज की आईनादार होती हैं। कश्मीर में थिएटर आज कहाँ पाते हैं? कश्मीर में थिएटर वहीं पर है जहाँ 97 में था। अच्छा, जो 90 से पहले थिएटर था तो वो आज की डेट में है नहीं शायद, लेकिन उसके कई रीजन्स होंगे, हालात भी ऐसे हैं। यानी कि आज के थिएटर के साथ आप मुतमईन नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल मुतमईन नहीं हूं मैं, क्योंकि सिर्फ कश्मीर में कि बाहर भी? मैं कश्मीर की बात करूंगा, मैं जम्मू की भी बात नहीं करूंगा। जम्मू में तो थिएटर होता रहता है, कश्मीर में भी थिएटर तभी होता रहता है या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर फाइनेंस आपका होता है, स्पॉन्सरशिप होती है, या एकेडमी कोई प्रोग्राम फेस्टिवल वगैरह करे तभी होता है। अदरवाइज थिएटर ग्रुप्स 40-50 यहाँ पे, तो कितने थिएटर ग्रुप्स काम करते हैं मुझे ज़रा आज के दिन के हवाले से बताइए कि कौन कर रहा है। हमारी जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी आज के दिन में कोई फंक्शन नहीं कर रहा, अगर करते तो शायद हमें भी इनविटेशन मिलता, लेकिन आज फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो इसका शायद ये भी रीज़न होगा। ये इसका ये भी बता सकते हैं कि भाई रमज़ान का महीना चल रहा है लेकिन काम काम है, क्योंकि अगर रमज़ान के महीने में सब चीज़ें सब लोग घर में ही बैठेंगे तो फिर बंदा खाएगा क्या। तो अगर इस मौके पे एकेडमी कोई प्रोग्राम करती, 10-20-15 थिएटर ग्रुप्स को बुलाती, 5-5 मिनट का सेगमेंट करते, तो एक अच्छी फंक्शन हो जाती। तो यही वजह है कि आज के दिन वर्ल्ड थिएटर दिन पे यहाँ पे फंक्शन नहीं हुआ। सर, ये तो आपने बात की सरकारी सतह पर, लेकिन जो मुकामी अदाकार यहाँ पर हैं या थिएटर से जुड़े जितने भी अशखास हैं, क्या उन्होंने ज़ाती सतह पर इस तरह के किसी प्रोग्राम का इनेकाद नहीं किया, या मुतल्लिका जो अफसरान हैं या मुतल्लिका जो इदारे हैं उनसे रुजू करके इस ताल्लुक से बात भी नहीं की? देखिए, मैं आपको ये बात बताऊँगा, हकीकतन यही बात है, जब 90 से पहले थिएटर हुआ करता था तब जो भी आर्टिस्ट थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे या किसी प्राइवेट सेक्टर में वो काम करते थे। इस वजह से उस दौर का थिएटर माना जाता अच्छा था, क्योंकि घर में सैलरी आती थी तो शाम को 4 बजे के बाद थिएटर बंदा करता था तो शौक से करता था। जो आज का फनकार है ये डिपेंडेंट खाली इसी पे है। अब बात कीजिए, जब आपके पास पैसे ही नहीं है, थिएटर को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो जब आपके पास है ही नहीं वो कुछ, तो थिएटर बंदा करेगा कैसे? ये बहुत बड़ा इशू है। अगर डिपार्टमेंट चाहती कि 10-20 थिएटर ग्रुप्स ऐसे हैं जो खालिस डिपेंडेंट इसी पे हैं, बहुत हमारे थिएटर पर्सनल के कहने का मतलब कि थिएटर को जब तक ना हम रोज़गार से जोड़ें तब तक ये थिएटर उस तरीके से सामने नहीं आ सकता। देखिए कोई नया लड़का आएगा शौक से 1-2 साल करेगा, उसके बाद वो जॉब ढूंढेगा, घर चलाना है, अगर घर चला गया तो फिर शादी होगी तो बच्चे होंगे तो खिलाएगा क्या, तो थिएटर पे आप तो घर नहीं चला सकते। ये बहुत बड़ा मसला है यहाँ के। अगर थिएटर को सरकार को थिएटर को कश्मीर में ज़िंदा रखना है या हर डिस्ट्रिक्ट में हर घर में पहुँचाना है, क्योंकि थिएटर से बड़ा कोई मीडियम है ही नहीं अपनी बात पहुँचाने के लिए, लेकिन यहाँ सरकार इस मामले में कुछ कर नहीं पा रही है। जिन मसाइल का आपने जिक्र किया, क्या आपसे थिएटर से वाबस्ता जितने भी अफराद हैं उन्होंने अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू जो मुतल्लिका लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया है उनकी नोटिस में नहीं लाया, या वजारत है उनकी नोटिस में नहीं लाया, ताकि इन सारी चीज़ों को टैकल डाउन किया जा सकता और एक रास्ता हमवार हो जाता? देखिए ज़ुबैर भाई, शायद हर दिन नहीं मैं कहूँगा, हर वीक मैं किसी न किसी चैनल पर बात करता हूँ, मैं ओपनली बात करता हूँ, भैया हमारे लिए ये जो सरकार का हमारी तरफ, मैं पर्टिकुलरली करूँगा हमारी कम्युनिटी की तरफ, उसकी तरफ ध्यान नहीं है, या तो हमारी बात में इतना ताकत नहीं है, क्यों नहीं कर रहे हैं वो। अगर आप ही रिसेंटली देखेंगे फेस्टिवल्स हो गए, प्लेज हो गए, उसमें ज़रा देखिए आर्टिस्टों ने कितना पैसा कमा लिया है, वो ज़रा देखें, क्योंकि आर्टिस्ट आज की डेट में 30,000 से कम आपका घर चलेगा नहीं। आप साल में एक बार फेस्टिवल करेंगे फिर ये बंदा करेगा क्या? अब जब ये गवर्नमेंट नौकरी करेगा फिर ये थिएटर नहीं करेगा? ज़रा मुझे आज की डेट में दिखाइए, आज की डेट में कौन सा ऐसा थिएटर आर्टिस्ट है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और थिएटर कर रहा है? नहीं कर पाएगा। अब वो ड्यूटी कर रहा है, उसके लिए तो थिएटर चला गया। अब वही 20-30 लोग हैं जो खालिस डिपेंडेंट है, जिन्होंने इस फील्ड को अभी तक ज़िंदा रखा है, ये मैं कहना ज़रूर चाहूँगा, खासकर वो आर्टिस्ट, वो थिएटर से जो 90s के बाद यहाँ पे आए हैं। मतलब मैंने 97 में थिएटर शुरू किया तो आज भी मैं थिएटर कर, मैं कोई दूसरा काम तो कर नहीं रहा हूँ।
तो यही वजह है कि थिएटर यहाँ कमज़ोर हो रहा है, इसी वजह से कि सरकार को फुली इस पर देना चाहिए। अगर हर साल हर 3 महीने बाद एकेडमी फेस्टिवल करेगी तो साल में 4 प्ले जाएगी तो फेस्टिवल जिंदा रहेगा। लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन हम देखते हैं जो कल्चरल एकेडमी की जानिब से प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाता है, जैसे आज भी NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जानिब से भी एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है, तो क्या आप समझते हैं ये प्रोग्राम्स जो मुनक्कद हो रहे हैं या ये चीज़ें जो हो रही हैं ये उस पैमाने पर नहीं हैं या इनसे आप मुतमइन नहीं हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँगा, जब तक आपकी ये चैनल चलेगी नहीं, पैसा नहीं आएगा, तो आप करेंगे काम? नहीं करेंगे। इसीलिए मीटिंग करने से सिटिंग करने से कुछ होगा नहीं। मुझे एक आर्टिस्ट को काम दे दो, वो 10 रुपया कमाएगा, वो घर चल पड़ेगा तो वो थिएटर करेगा। अगर मुझे कोई जॉब अभी मिलती है या कोई बिजनेस मिलता है मैं तो शायद उसी को प्रेफर करूँगा, नहीं करूँगा ये, क्योंकि आप फैमिली है। जब हम छोटे थे तब शौक से आए थे, तब फ्री में हमने काम किया था, लेकिन आज की डेट में फ्री तो होगा नहीं ना। तो थिएटर में जब तक पैसा नहीं आएगा तो थिएटर नहीं चलेगा। जो मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से इकदाम लिए जा रहे हैं, जैसे नई फिल्म पॉलिसी तक मुरतब की गई, क्या ये इकदाम कारगर नहीं हैं या इनमें क्या बदलाव आप देखना चाहते हैं सो दैट इस चीज़ों को कम किया जा सके? देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊँगा, फिल्म फेस्टिवल की बात छोड़िए आप, अगर आपने इस फिल्म पॉलिसी की बात की, मैंने रिसेंटली बोला है यहाँ पर फिल्म मेकर कितने हैं ये देखना है, क्या उनके पास पैसा है? यहाँ पर स्पॉन्सर भी नहीं आ सकता, यहाँ पर फाइनेंसर भी नहीं आ सकता। अब आपने 10 लाख 50 लाख फिल्म पे लगाया, वो चलेगी किधर, ये भी आपको देखना है, तो वो जरिए है नहीं। अगर आप रोज़गार, मैं इस सरकार से एक ही बात कहूँगा, कश्मीर के यूथ को रोज़गार चाहिए, रोज़गार मिलेगा तो सारे मामला ठीक रहेंगे। अब जब रोज़गार ही नहीं है तो मामला तो गड़बड़ेंगे। मान लीजिए यहाँ से ड्रग्स हो रहा है, बच्चे क्यों कर रहे हैं? जब एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसने पढ़ाई मुकम्मल की है उसके पास जॉब नहीं है, वो ऑटो चला रहा है, वो बैटरी ऑटो आजकल अगर आप देखे होंगे वही चला रहे हैं, तो कैसे चलेगा ये? कितने नौजवान लड़के लड़कियां बेरोजगार बैठे हैं, अभी उनकी शादी भी नहीं हो रही है क्योंकि बेरोजगारी की वजह। आज जहाँ पे आप शादी ढूंढने जाओगे वहाँ पे बोलोगे कमाता कितना है। अब एक फनकार के लिए थोड़ी आप थिएटर आर्टिस्ट उस पर कोई शादी देगा, किसी को नहीं देगा, ऐसा नहीं है। तो क्या हम ये मान के चलें कि थिएटर से जुड़े जितने भी फनकार हैं वो अपने इस पेशे से बेजार नज़र आ रहे हैं? जाहिर सी बात है, मैं तो आपको सामने एक गवाह हूँ उसका, बेरा है। अब बच्चे हैं कैसे चलाएंगे आप? पिछले 2 महीने से अगर हमने कोई काम ही नहीं किया तो 2 महीने का जो खर्चा है वो आएगा कहाँ से, वो भी देख रहे हैं ना आपको। तो आपकी फैमिली आपके बच्चे ये नहीं मानेंगे कि आप बड़े एक्टर हैं, आप बड़े डायरेक्टर हैं, आप बड़े प्रोड्यूसर हैं, नहीं। फैमिली के लिए रोज़गार चाहिए, खाना पीना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक ऐलान ये भी किया था कि जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे ये आर्टिस्ट्स हैं उनके लिए एक माहाना मुशायरा वगैरह का बंदोबस्त रखा जाएगा ताकि उनकी इस हालत को, माली हालत को सुधारा जा सके, क्या उस जानिब कोई पेशरफ्त आप नहीं नज़र आ रही आप? मैं एक ही बात बताऊँगा जुबैर भाई, मुझे, मैं एक फनकार हूँ, मुझे काम चाहिए। मुझे ऐसे आप 10,000 देंगे चले जी आज ये फंड्स देते हैं इनको, मुझे एक रियल फनकार को वो चीज़ नहीं चाहिए। एक अच्छे फनकार को काम चाहिए, वो काम से रोज़गार कमा सकता है, अपनी फैमिली के लिए फीडबैक कर सकता है। चलिए इन सारे पहलुओं को अगर हम एक साइड रखें, कश्मीर में थिएटर नौजवान नस्ल के ताल्लुक से अगर बात करें, क्या नौजवान नस्ल में रुझान देखा जा रहा? देखिए बहुत से लड़के आ रहे हैं, जब वो देख रहे हैं कि हमारे सीनियर जितने भी लोग हैं, मैं अपनी बात नहीं करूँगा, जो हमारे बड़े सीनियर्स हैं उनकी हालत कैसी है, तो कैसे वो करेंगे, वो भी सोचते हैं यार मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। हाँ, अगर किसी को एक्टर बनने का शौक है वो बॉम्बे जाए, स्ट्रगल करे, थिएटर करे, ये पैसे ही नहीं ढूंढेंगे क्योंकि यहाँ थिएटर में पैसे है नहीं कहीं पे, वो तो है नहीं। अब मैं किसी नए लड़के को लाकर थिएटर में बोलूँगा बेटा थिएटर कर फिर आगे चल के तेरी लाइफ बनेगी, मैं ऐसा झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने 30 साल जो देखा, 30 साल जो काम किया उसका तजुर्बा तो है मेरे पास, लेकिन काम नहीं है। जी जी, अब हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए चूँकि सभी आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे ताकि इन सारी चीज़ों को कम किया जा सके या कौन से वो इकदाम हैं जो बुरोकार लाने चाहिए? मेरी गुजारिश है अपनी रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब से, अगर वहाँ तक ये बात पहुँच सकती है, थिएटर से जितने भी लोग जुड़े हैं, थिएटर से या टेलीविज़न से जितने आर्टिस्ट लोग जुड़े हैं, उनकी तरफ ध्यान दें, उनको ज़रा देखें। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि एक बार अगर हम देखें, सर बात यह है, अब यहाँ दलाली भी होती है ना, क्योंकि हमारी बात गवर्नर साहब तक पहुँचती नहीं है। हम चाहते हैं, हम 10-15 लोग चाहते हैं, यंगस्टर है, अभी यंगस्टर भी इतने भी नहीं रहे, 30-30 साल जिसने दिया, कि हम चाहते हैं कि ये फील्ड फूले, बहुत आगे जाए,
लेकिन उसके लिए ऐसी स्कीम्स ऐसी लानी पड़ेगी ताकि यहाँ का यूथ जो है, अगर आज मुझे अच्छा रोज़गार मिलता है इस काम की वसादत से तो मैं 10 लोगों को तो ला सकता हूँ ना। फिर जब वो मुझे देख रहे हैं यार मेरी परेशानी है, आप काम करते हो तो उसके लिए स्ट्रगल करनी है, फिर जब आपको एकेडमी से या किसी और इदारे से पैसे लेने हो तो उसके लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में वहीद जलानी साहब ने G20 प्रोग्राम किया, पैसे नहीं मिले, उसके बाद उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, तो ये कौन सा काम हुआ? काम तो ये नहीं हुआ ना। तो मैं चाहता हूँ कि दफ्तरों में हर डिपार्टमेंट में कल्चरल विंग्स होती हैं, अगर फनकारों को जिनके पास तजुर्बा है 30-30 साल 40-40 साल का, वहाँ उनको एज अ डिलीवरीज रखा जाए ताकि वहाँ से या कॉलेज में स्कूल्स में जॉब मिल सकती है हमें, क्यों नहीं मिल सकती है? हम आगे लड़कों को तैयार कॉलेज में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं सरकार की तरफ से, शायद पता नहीं क्या है। चलिए, ये बड़ा हसास मौजू है और इस पर आपने खुलकर बात की, हमारे नाज़रीन तक अपनी ये पैगाम भी पहुँचाया। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, आप थे हसन जावेद साहब, जो वादी कश्मीर के एक माया नाज थिएटरिस्ट हैं, अदाकार हैं, और इनका साफ तौर पर यही कहना था कि जब तक ना थिएटर से जुड़े अफराद को रोज़गार का ज़रिया फ्राहम किया जाए तब तक कश्मीर में थिएटर फल फूल नहीं सकता। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसफ खान के साथ मैं ज़ुबैर कुरैशी।